महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने बजट में अनाउंस किया था कि महाविस्टा समानिक प्रोजेक्ट होगा, 7,500 करोड़ से भी ज्यादा उसकी लागत होगी फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ मंत्रालय एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स। डू यू थिंक कि ये इतना जरूरी है, इतना पैसा रीडेवलपमेंट के लिए? जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है उनकी हालत काफी बेटर है अभी तो। मंत्रालय का निर्माण, मंत्रालय का निर्माण तो नया ही हुआ था अभी, उस बारे में सभी से चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र का जो एमएलए हॉस्टल है पहले से तोड़ दिया है, मेरे पास उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारे विधानसभा के जो नेता है वो ज्यादा बात करेंगे। लेकिन सेंट्रल विस्टा की क्या हालत है दिल्ली में, वो जाकर एक बार देखनी चाहिए। जो संसद भवन बनाया है वो ना काम करने लायक है ना बैठने लायक है, एक 5-स्टार जेल बन गया है वो। जो ऐतिहासिक धरोहर थी हमारी, जो हमारा ऐतिहासिक पार्लियामेंट था, हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर एक बार हम उसी हिस्टोरिक बिल्डिंग में हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू करेंगे। सत्ताधारी सरकार मधील नेत्यांच्या कारखान्यावर सरकार मेहरबान आहे। 2014 में जब वो आए थे तब 300 पार किया गया था, 2019 में जब आए तो 350 और अब 400 के पार। इसी के उन्होंने नहीं, बहुत कम बोला है, 400 पार, 600 पार बोलना चाहिए। लोकसभा में लगभग 540 या 548 सीटें हैं, तो 50 ज्यादा सीट अगर बोलते तो महाराष्ट्र की जनता तालियां बजाती। यवतमाल की बात छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या यवतमाल वाशिम में हुई, आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी आपने क्या किया? 2000 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या विदर्भ में हुई है, और यवतमाल वाशिम जहां पीएम साहब का कल रैली हो गई वहां सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, रैली में जब आते हैं तो झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलने की नशा है, और ये नशा कहाँ से आती है मुझे मालूम नहीं। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकता है? चलिए, सत्ताधारी सरकार मेहरबान है। 2014 के पहले जो कृषि मंत्री थे वो इस देश के अब तक के बहुत ही बेहतरीन कृषि मंत्री थे, और ये सर्टिफिकेट खुद नरेंद्र मोदी जी ने दिया है पवार साहब को कि शरद पवार साहब वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ये खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, हमने नहीं कहा है। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब तो यूपीए सरकार के साथ उनकी अनबन होती थी, और एक तरह से गुजरात के ऊपर केंद्र सरकार एक अघोषित बहिष्कार डाला था, तब सिर्फ शरद पवार साहब जो कृषि मंत्री थे वही नरेंद्र मोदी जी को कृषि के क्षेत्र में पूरे गुजरात को मदद करते थे, ये मोदी जी ने बार बार कहा है। अब आकर झूठ बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो अब उनके ऊपर कौन विश्वास रखेगा? ये तो इतने झूठ बोलते हैं, सिंचन घोटाला महाराष्ट्र में हुआ है 70,000 करोड़ का, दूसरे दिन सिंचन घोटाले के सूत्रधार अजीत पवार को अपने पार्टी में लेकर डेप्यूटी सीएम बनाते हैं। आदर्श स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम देश का डिफेंस का, वही आदर्श स्कैम के सूत्रधार अशोक चव्हाण को अपने पार्टी में लेकर राज्यसभा देते हैं, तो ये मोदी जी के ऊपर कौन विश्वास रखेगा? बीबीए की तरफ से प्रस्ताव आया था मनोज जरांगी पाटिल को लोकसभा सीट देने का, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं सर, उन्होंने प्रेस रिलीज, हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ सीट शेयरिंग की चर्चा होती है, कौन कौन से सीट पर लड़ेगा, कितने सीट पर लड़ेगा, कोई उम्मीदवार किसी का मन में होगा उनकी व्यक्तिगत बात होती है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के वर्ड्स जो है वो जरांगे पाटिल बोल रहे हैं अभी, और इस तरह से बीबीए का ये प्रेस रिलीज निकालना या फिर ये बताना, हमें मालूम नहीं, हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम जब महाविकास आघाड़ी के लोग बैठते हैं तो सिर्फ सीट शेयरिंग, कौन कहाँ सीट लड़ेगा उसके ऊपर चर्चा होती है। अगर कोई किसी को उम्मीदवार बनाना चाहता है महाविकास आघाड़ी का तो उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। अनेक म्हणजे कोण? अत्यंत सुडबुद्धीनं, राजकीय हेतूनं प्रेरित होऊन हा गुन्हा दाखल झालाय। या संदर्भात संपूर्ण चौकशी झाली। बडगुजर यांचा याच्यामध्ये कुठेही संबंध नाही, ते आमचे जिल्हा प्रमुख आहेत। खरं म्हणजे ज्या कार्यक्रमाला बडगुजर गेले होते
त्या कार्यक्रमाचं नियोजन आयोजन हे भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलं होतं. त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. त्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे नाशिकमधले बहुतेक सगळे पदाधिकारी हजर होते. त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. पण बडगुजर यांची 2 दिवसापूर्वी नाशिक जिल्हा प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यावर ही कारवाई केली. ही भीती आहे आमच्या